नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कल 14 जुलाई के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहेंगे। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया, मार्केट में कैसा दिन रहा। दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे बात कर लें, ये निफ्टी का जुलाई फ्यूचर्स का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ने आज एक गैप अप दिया। गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ पर पहले तो नीचे की तरफ आई, उसके बाद पुल बैक लेने के बाद धीरे धीरे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने ऊपर की तरफ एक हमें पोजीशंस यहाँ पर दिखाई। तकरीबन 19,620 लेवल्स के आसपास जाकर मार्केट ने हमें यहाँ पर रिजेक्शन दी, और रिजेक्शन देने के बाद काफ़ी देर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट भी करती रही। अगर आप इसको ध्यान से दोस्तों रेंज को देखेंगे तो तकरीबन 1:30 बजे तक मार्केट ने अपने लिए एक 30-35 पॉइंट की रेंज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट के अंदर इसका ब्रेकडाउन हुआ तकरीबन 130 के आसपास। इसके बाद नीचे की तरफ मार्केट में काफ़ी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मार्केट ने पुल बैक लिया, और फिर लास्ट में आकर तकरीबन 3 बजे मार्केट ने हमें एक नीचे की तरफ यहाँ पे एक लेवल्स दिखाए। दोस्तों, तकरीबन 3:10 के आसपास मार्केट यहाँ पर ऊपर एक पुल बैक लेती है, और क्लोजिंग हमें 19,498 लेवल्स के आसपास देकर जाती है। अब चलिए बात करते हैं कल मार्केट ओपनिंग कहाँ पर कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए हमें एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ रुख करना पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट्स में बात करते हैं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स इस टाइम पर वीडियो बनाते समय तकरीबन 76 पॉइंट्स प्लस में है। नैसडैक की बात करें तो 188 पॉइंट प्लस में है। S&P इंडेक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स भी यहाँ पे तकरीबन प्लस 28 पॉइंट्स पर है, और अगर गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर तकरीबन 70 पॉइंट्स प्लस में है। तो ये सभी चीज़ें कल मार्केट के अंदर आपको दोबारा एक गैप अप ओपनिंग अराउंड 70 पॉइंट्स की देती हुई नज़र आ सकती है। तो ओपनिंग आपकी मार्केट के अंदर 19,560 लेवल्स के आसपास कहीं पे यहाँ पे मार्केट आपको ओपन कर सकता है। अब आपको ये देखना ज़रूरी है दोस्तों कि मार्केट के अंदर ये अपने फिप के 0.618 लेवल के ऊपर आपको कहीं पे ओपनिंग देगा, और अगर ऐसा होता है तो आपको याद रखना है मार्केट में पुट पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट 19,532 के लेवल के नीचे यहाँ पर नहीं निकलता। अगर 19,532 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट की पोजीशंस बना सकते हैं, और जो टारगेट आपके नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे वो पहला 19,500 और दूसरा 19,450। ये दो लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। कॉल पोजीशंस में सिर्फ तभी जब मार्केट आपको 19,579 इस लेवल के ऊपर निकले तो आप यहाँ पर डेफिनेटली कॉल की पोजीशंस मार्केट में देख सकते हैं, और टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ 19,590 और 19,614 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आज ये जो मार्केट में लास्ट में मतलब ये हमें 1 घंटे का ये प्रेशर मिला, यहाँ पर एक काफ़ी एक सेलर्स का प्रेशर मार्केट में मिला था आफ्टर गैप अप। अब कल ये देखना है कि कल मार्केट गैप अप होने के बाद वापस से एक सेलिंग दिखती है या मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर से मैं लेवल मार्क करता हूँ, आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।